भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर लोकल कमेटी रामपुर ने माकपाइयों ने चौधरी अड्डे पर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर और पट्टिकाओं के साथ नारेबाजी करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बस किराए में 25% बढ़ोतरी व न्यूनतम किराए की दरें 5 से बढ़ाकर 7 रुपए करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी के संकट में बस किराए में वृद्धि से आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ा है। बस किराए के बढ़ने से भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गुपचुप तरीके से कुछ लोगों के दबाव में आकर बस किराए वृद्धि को अंजाम देकर प्रदेशवासियों के साथ इस संकट की घड़ी में धोखा किया है। इस निर्णय से सरकार का जन विरोधी चरित्र सामने आया है। उन्होंने बताया कि सरकार इस जन विरोधी फैसले को वापस नहीं लेती है तो CPM आने वाले समय में इस फैसले के खिलाफ और उग्र आंदोलन करेगी। पार्टी लोकल कमेटी रामपुर ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर बस किराया वृद्धि को वापस ना लिया गया तो पार्टी जनता व मजदूर वर्ग को लामबंद करके प्रदेश व्यापी आंदोलन खड़ा करेगा। CPIM नेता कुलदीप ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बस किराया वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया गया। सरकार को भी चेतावनी दी गई है कि इस बस किराए को वापस नहीं लिया तो आंदोलन होगा। CPIM नेता बिहारी सेवकी ने बताया कि रामपुर चौधरी अड्डे में प्रदर्शन किया गया। हिमाचल सरकार ने बस किराए में 25% वृद्धि की है और न्यूनतम किराया 5 से बढ़ाकर 7 रुपए किया है। उन्होंने कहा कि एक और पूरी दुनिया में कोरोना से मंदी छाई है, लेकिन हिमाचल सरकार प्रदेश की जनता पर बोझ थोप रही है। सोलन की सेब और सब्जी मंडी जहां अरबों रुपयों का व्यापार होता है, प्रदेश को करोड़ों रुपए की आय इसी मंडी से होती है, लेकिन कुछ समय से यहां आने वाले किसान और बागवान बेहद परेशान थे। उनके द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के महाप्रबंधक को शिकायत की गई कि कुछ आढ़ती उनकी मेहनत की कमाई पर कुंडली मारकर बैठे हैं और उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसके चलते प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया और अब आढ़तियों से आवश्यक पूछताछ की जा रही है। प्रदेश सरकार ने सोलन APMC को ये निर्देश भी दिए कि जो भी व्यक्ति डिफॉल्टर है उन्हें तब तक व्यवसाय न करने दिया जाए और न ही उनका लाइसेंस रिन्यू किया जाए जब तक कि वे किसानों का पूरा भुगतान नहीं कर देते। सोलन APMC के सचिव ने निर्देशों का सख्ती से पालन किया, जिसके चलते कुछ आढ़तियों में खलबली मची हुई है। किसान और बागवान इस कदम के लिए प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक नरेश ठाकुर का धन्यवाद कर रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए सोलन APMC के सचिव डॉक्टर R.K. शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो आढ़ती डिफॉल्टर हैं उन्हें आढ़त नहीं लगाने दी जाएगी, तो उन निर्देशों का अनुसरण करते हुए APMC का प्रयास है कि जो भी आढ़ती डिफॉल्टर है उसे किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं करने दिया जाए। उन्होंने बताया कि जब से उनके द्वारा सख्ती की गई है, कुछ व्यवसायियों ने किसानों और बागवानों का भुगतान भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ आढ़ती ऐसे हैं जिनके पास किसानों का पैसा फंसा हुआ है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी द्वारा मंडी के सेरी चांदनी में प्रदर्शन किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा 25% बस किराए वृद्धि के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के अंदर जब से भाजपा सरकार आई है तब से लगातार बस किराए में वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि पिछले कुछ वर्षों में 50% के आसपास हो गई है। इस बीमारी के दौर में जहां लोगों को सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए थी, उस समय ये किराया वृद्धि आम जनता की लूट है। प्रदेश सरकार लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है और ये फैसला भी आम जन विरोधी है। भाजपा
पूरे प्रदेश के अंदर इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। इस बीमारी के दौर में केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर रही है। इस वृद्धि से आम जनता बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है। यदि केंद्र व प्रदेश सरकार इन विरोधी नीतियों को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में एक निर्णायक लड़ाई माकपा पूरे प्रदेश में लड़ेगी और सरकार को मजबूर करेगी ये फैसला वापस ले। इस अवसर पर माकपा जिला सचिवालय सदस्य सुरेश सरवाल, राजेश शर्मा, महिला समिति जिलाध्यक्ष बीना बैद्य, गोविंद शर्मा, सुरेंद्र कुमार इत्यादि लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वज्योति सोशल वेलफेयर सोसाइटी के 6 स्वयंसेवकों नरेंद्र ठाकुर, अनिल कुमार, साहिल, मोहित कुमार, प्रेम सिंह और अतुल शर्मा ने लोगों और दुकानदारों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। स्वयंसेवक बाजार में लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी अपनाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी दुकानदारों को भी दुकान के आगे गोल चेक कर निशान लगाकर ग्राहकों को सामाजिक दूरी बनाते हुए सामान देने का महत्व बता रहे हैं। स्वयंसेवकों के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी लोगों को मास्क के महत्व के बारे में जागरूक कर रहे हैं। SDM शिव मोहन सिंह सैनी ने सर्वज्योति सोशल वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ताओं की इस पहल की सराहना की है। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि जो लोग बाजार का रुख कर रहे हैं मुंह को ढक कर रखें और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें। बिना मास्क के जो व्यक्ति बाजार में घूमता हुआ पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ चालान किया जाएगा। लोग सरकार और प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। कोरोना का खतरा बरकरार है, लॉकडाउन में मिली ढील को हल्के में न लेते हुए सावधानी बरतते हुए सुरक्षा उपाय अपनाएं।